हाय, आप सभी को प्रणाम और बोली विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी बहुत दिनों के बाद आपके पास आई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई थी, जरूर उसके बारे में बताती हूँ। लेकिन उसके पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, बाय मी अ कॉफी के लिंक पर जाकर, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर के आप हमारे लिए कॉफी लें, कम से कम एक कॉफी और ज्यादा से ज्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी आपकी श्रद्धा। तो कहाँ गायब रही मैं? गायब वहां मैं रही कि चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताती हूँ। हालांकि आप जानते होंगे सब मेरे बारे में, खुली किताब हूं मैं, लेकिन इस किताब से ध्यान आया कि चलिए आपको अपनी किताबों के बारे में बताते हैं, अपनी राइटिंग के बारे में बताते हैं। हिंदी और मैथिली में मैं लिखती हूँ और पिछले 40 सालों से लिख रही हूँ। अब तक मेरी 35 किताब 35 बुक्स आ गई हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मैं नॉवेल नहीं लिख पा रही थी। मैं लोगों को देखती थी, लोग दनादन 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 नॉवेल लिखे जा रहे हैं और मैं लिखने बैठती थी और कहीं ना कहीं मैं ब्लॉक हो जाती थी। समझ में नहीं आता था कि कैसे लिखें। पिछले 2 साल से मैं सोच रही थी कि मुझे नॉवेल लिखना है और अंत में मैंने वो नॉवेल लिख लिया। जी हाँ, ये नॉवेल है, इसका नाम है कांदूर कड़ाही। ये कांदूर कड़ाही का मतलब क्या है? कड़ाही तो आप जानते ही हैं और कांदूर कहते हैं कश्मीरी में तंदूर को, तो कह सकते हैं कि ये तंदूर कड़ाही इस उपन्यास का नाम है। कश्मीर आजकल फिर से बहुत चर्चा में है और कश्मीर फाइल्स फिल्म के कारण और भी ज्यादा चर्चा में है। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी, मैं इस किताब के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि ये कांदूर कड़ाही मेरा उपन्यास जो है, ये मेरी लाइफ का पहला उपन्यास है, इसलिए मुझे बहुत प्रिय है। इसका कवर डिजाइन अपाला वत्स ने किया है, इसे वनिका पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया है। अमेजोन पर यह किताब उपलब्ध है। क्यों आपको ये किताब पढ़नी चाहिए? इसके 2-3 कारण है। पहला रीजन तो ये है कि इसमें दो औरतों की कहानी है, एक जो कश्मीर से माइग्रेट होकर के आई है और दूसरी जो मिथिला से वाया माइग्रेट होकर के आई है। दोनों बॉम्बे में मिलती हैं और दोनों दो अलग अलग क्लास की महिलाएं हैं, लेकिन महिलाओं में दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है, अलगाव भी उतनी ही जल्दी होता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि दो अलग अलग ग्रुप्स की महिला जो है वो एक साथ एक अंडर वन रूफ वो आकर के इकट्ठा होती हैं और किसके माध्यम से जुड़ती हैं? रेसिपीज के माध्यम से। जी हाँ, उस रेसिपीज के माध्यम से जिन्हें बनाने और पकाने वालों के मन के लिए हमारे मन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, लेकिन रेसिपीज तो सभी को चाहिए। नए नए खाने का प्रकार तो सभी को चाहिए, नए नए व्यंजन का स्वाद सभी को चाहिए। इसके लिए हम औरतें इधर उधर जहां तहां रेसिपीज खोजती रहती हैं। तो कह सकते हैं कि ये कश्मीर और मिथिला के माध्यम से पूरे देश की रेसिपीज, जो मुख्य खान पान की, खान रेसिपीज मतलब खान पान की सही में व्यंजन विधियां, वो इसमें है और उनके माध्यम से ये कहानी को आगे लेके चलती है, जिसमें कश्मीर के तमाम बर्निंग इश्यूज हैं, मिथिला के तमाम बर्निंग इश्यूज हैं और उसके साथ कि ये खाना न केवल हमारे जीवन का आधार बनता है बल्कि हमारे जीवन को आगे ले जाने का भी आधार बनता है। चाहे इसमें कश्मीर की जो पात्र हैं काजल कौल उनकी माँ हो या फिर जो मिथिला से आई हुई पात्र हैं सरिता मंडल उसकी कहानी हो। इसमें एक और चीज है, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती है, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन दिन रात जो पॉलिटिक्स होती है उससे हम और आप अलूफ नहीं रह सकते, तो इसलिए इसमें कश्मीर की भी पॉलिटिक्स है, हिंदुस्तान की भी पॉलिटिक्स है और लोगों के घरों में होने वाली पॉलिटिक्स है, आस पड़ोस की पॉलिटिक्स है। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें और हाँ, चलते चलते जब आप लेंगे तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको कुछ दें, तो हम आपको क्या दे सकते हैं? हम आपको किताब के बदले किताब ही दे सकते हैं। हमारी पहले भी हम आपसे बता चुके हैं कि नॉटनल पर हमारी 5-6 किताबें हैं, अभी तो 2 किताबें और भी मैंने उसमें अपलोड की है। लिली रे के 2 नाटक हैं, उनका हिंदी ट्रांसलेशन। तो आप इस किताब को खरीदें, अमेजोन पर है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
आप इस किताब को खरीदें। खरीदने के बाद जब किताब आपके पास आ जाएगी तो आप अपने साथ उसकी एक सुंदर सी तस्वीर, अपनी सुंदर सी तस्वीर इस किताब के साथ हमें भेजें। आप इसके लिए यहाँ इस कमेंट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फेसबुक पर हुई हूँ, फेसबुक के मैसेंजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्विटर के मैसेंजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं। जब आपके पास आपकी ये किताब हमारे पास आ जाएगी, आपकी तस्वीर में आ जाएगी, तो एक काम करना आप और ना भूलें, उसके साथ तस्वीर के साथ साथ आप अपना मेल आईडी भी हमें भेज दें। और मेल आईडी पे हम आपको आपकी अपनी किताबों की लिस्ट, जो ऑनलाइन किताब है nortonel.com से आई हुई, उसकी लिस्ट भेज देंगे। आप एक किताब सेलेक्ट कर लीजिए और वो किताब हम आपको फ्री आपको हम गिफ्ट करेंगे। आपके पास वो गिफ्ट पहुंचेगा, आप उस गिफ्ट को क्लेम कर लीजिएगा 7 दिनों के भीतर। अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो वो फिर वो वापस चला जाएगा। तो आप कांदूर कड़ाही भी पढ़िए, और कांदूर कड़ाही जब हम कोई व्यंजन परोसते हैं तो उसके ऊपर सलाद चटनी भी देते हैं, तो इस सलाद और चटनी के रूप में आप nortonel.com से प्रकाशित हमारी कोई भी एक ऑनलाइन किताब भी आप खरीदेंगे नहीं, हम आपको भेंट करेंगे, तो वो भी आप पा सकते हैं। मतलब एक पर एक गिफ्ट में मिलेगा। तो चलिए, हम बहुत उत्सुक हैं कि आप इस अनोखे उपन्यास को आप पढ़ें, क्योंकि शायद ही ऐसा भी हुआ है कि रेसिपीज के माध्यम से किसी भी सिचुएशन को डील करने की कोशिश की गई है। तो है ना इंटरेस्टिंग, रेसिपीज भी पढ़ें, रेसिपीज भी सीखें, और साथ साथ इस कश्मीर को भी देखें और मिथिला को भी देखें और पूरे देश को भी देखें, और देश के आज तक के 31 जुलाई 2021 तक इस कहानी को समेटा गया है। तो बिल्कुल लेटेस्ट सिचुएशन तक है। आप जरूर देखिएगा, पढ़िएगा और हमें जरूर बताइएगा। हम फिर आपके पास कुछ और लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते, जय राम जी की।